तारिक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं कि इसे हम काट दे रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी असद अहमद को यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है। झांसी के पास हुए इनकाउंटर में असद अहमद को मार गिराया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में असद अहमद मुख्य आरोपी था। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद उमेश पाल के हत्यारों की अगुवाई कर रहा था। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद की तलाश चल रही थी। उमेश पाल मर्डर केस के बाद असद पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके साथ साथ शूटर गुलाम का भी इनकाउंटर किया गया है। वहीं यूपीएसटीएफ द्वारा किए गए इस इनकाउंटर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम ऐसे माफियों और दुर्दत्ता अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान छेड़ रखा है, जिसके सार्थक परिणाम आए हैं। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एनकाउंटर के बाद कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। सीएम योगी ने यूपीएसटीएफ के साथ ही डीजीपी स्पेशल, डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की है। लेकिन इस इनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने इसे झूठा इनकाउंटर बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा है, झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। आज के व हालिया इनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। साथ ही AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद एक कार्यक्रम में इस इनकाउंटर पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या जुनेद और नासिर को मारने वालों को भी गोली मार देगी बीजेपी? नहीं, क्योंकि भाजपा धर्म के नाम पर काउंटर करते हैं। आप कानून के शासन को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान का सम्मान करें। वहीं इस एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने असद अहमद के एनकाउंटर पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो भी करेंगे उचित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए। तो फिर क्या जुनेद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनेद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनेद और नसीर के कातिलों को, नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब, नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। आसाम में लोगों को